नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम सबके कुछ सपने होते हैं, कुछ जरूरतें होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है। लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास धन नहीं रुकता है। पैसा आता है, कमाते हैं, सैलरी आती है, व्यवसाय से लाभ होता है, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन बरकत नहीं होती, पैसा बचता नहीं है। इसका कारण क्या है? आज इसी विषय पर मैं बात करूंगा और 5 कारण आपको बताऊंगा। और इन 5 कारणों को अगर आप ठीक कर लें तो धन आपके पास टिकेगा। उनमें से पहला कारण है स्वच्छता। अगर आपके घर में सफाई ठीक से नहीं होती है, घर के कोनों में धूल है, अलमारियों में धूल है, दरवाजे में धूल है, बर्तन घर में गंदे पड़े हुए हैं, किचन में घंटों गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, जूठे धुले हुए नहीं होते, तो ऐसे में धन का टिकना घर में मुश्किल है। तो पहला काम तो स्वच्छता रखना है, चाहे वो घर की हो, बर्तनों की हो, वस्त्रों की हो, पर्दों की हो, स्वच्छता का आप ध्यान रखें। दूसरा जो कारण है वो घर में कलह है। घर में किसी भी तरह का विवाद, किसी भी तरह का क्रोध, खासकर वॉल्यूम हाई होना, जोर से बोलना, जोर से जवाब देना, हंसना मना नहीं है जोर से, लेकिन एक दूसरे की बातों का जवाब जोर से देना, चिल्ला कर देना, इससे घर में एक निगेटिव जो कंपन वाइब्रेशन पैदा होते हैं, असंतोष, असुरक्षा, असहजता, अशांति, उससे धन नहीं होता। तीसरा कारण आपको बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो है घर में एक तरह से अपवित्रता। अपवित्रता के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है घर में मदिरा का सेवन करना, दूसरा मांसाहार और तीसरा व्यभिचार। इन 3 चीजों का अगर आप सेवन करते हैं, ये 3 चीजें अगर आपके घर में प्रवेश कर गई हैं, तो चाहे आपके पास जितना धन हो, आपके लोन पर लोन बढ़ते चले जाएंगे और जब तक इन दुर्गुणों को आप दूर नहीं करेंगे, लोन उतर नहीं सकता। कितना भी आप मेहनत कर लें, कितना भी आप पैसा कमा लें, लेकिन लोन नहीं उतर पाएगा अगर इन 3 चीजों को आप दूर नहीं करेंगे। मित्र, चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पैसे को एक जगह रखना। अगर आपके घर में एक अलमारी है, उसमें पैसे रहते हैं और उसी से निकाल निकाल कर दिन भर खर्च होते हैं, सब्जी से लगा के, कपड़ों से लगा के, बिलों को देने के लिए, छोटे बड़े सारे खर्चे वहीं से आप करते हैं, तो पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए पैसे के कम से कम 3 चैनल बनाइए। एक हो जो महीने में एक बार खुले, दूसरा जो सप्ताह में एक बार खुले और तीसरा जो रोज खुला रहे छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो 3 अलमारियां बनाइए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं तो अकाउंट्स को रखिए। साथ में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो छोटे पेमेंट्स हैं, जो दिन भर आप छोटे छोटे पेमेंट्स करते हैं, वो किसी छोटे ऐप के द्वारा करिए, सीधे बैंक से ट्रांसफर मत करिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो पैसा आपके पास बचेगा, लेकिन पैसा तभी बचेगा जब 5वें बिंदु का आप ध्यान रखेंगे और वो है घर में भजन, सत्संग, पूजा, पाठ, हवन और बड़ों का सम्मान। इन 5 चीजों को अगर आपने घर में कर लिया तो कोई ऐसा कारण नहीं बचता जो आपको धनवान होने से रोक ले, जो आपके घर में बरकत होने से रोक ले और जो आपके घर में खुशियों को बरसने से रोक ले। तो इसको जरूर आजमाइएगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।